और झारखंड की राजधानी रांची से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जा रही बस बोकारो जिला के पेटरवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस ने रांची आ रहे एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस 20 फीट तक स्कॉर्पियो को घसीटती रही और उसके बाद उस पर चढ़ गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि रांची से जा रही शिवम बस ने पुटरवार थाना क्षेत्र के पोरदाग में विपरीत दिशा से रांची जा रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देर रात हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ बोकारो मुख्य पथ पर पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित बेड़दाग गांव के सामने रांची से कोलकाता जा रही शिवम बस और बोकारो से रामगढ़ जा रही स्कॉर्पियो के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान रामगढ़ पंचवटी फ्लैट संख्या 208 के सन तारा जोसेफ चाकू के रूप में हुई है। वहीं स्कॉर्पियो के मालिक थे, बाकी अन्य 2 उनके मित्र या सहयोगी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगे कई पेड़ टूट गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों के मदद से स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायल लोगों को रिम्स अस्पताल में पहुंचाया।